assalamu alaikum students i hope you will be fine welcome to online classes of knowledge city islamic school today we will study the english for grade 3 so open your english book with me today our unit is my early home so open your book turn in part 1 uh, we have studied the half unit and now in part 2 we will complete the unit so let's start reading where we have left uh, the our uh, in previous lecture i have never forgotten my mother's advice i knew she was a wise and old horse I apni valda ki nasi hat और मुझे मालूम था कि वो एक जो है वो समझदार और होशियार घोड़ा हैं एंड आवर मास्टर थाट अ ग्रेट डील ऑफ हर और मेरे जो हमारे जो मास्टर था वो उसके उसका बहुत ख्याल करता था हर नेम वॉज़ डिशेस बट ही ऑफ़न कॉल्ड हर पैट उसका नाम डिशेस था लेकिन जो है वो उसे अक्सर वो पेट के नाम से बुलाता था अवर मास्टर वॉज़ अ गुड काइंड मैन ही गिव अस गुड फूड हमारा जो मास्टर था वो बहुत मेहरबान बंदा था और उसने हमें हमेशा अच्छा खाने के लिए दिया गुड लोगिंग और उसने हमें अच्छी रिहाइश दी हुई थी एंड काइंड वर्ड्स वो हमेशा हमारे साथ अच्छा बोलता था ही स्पोक एज़ काइंडली टू अस एज ही डिड नाट ज़ लिटल चिल्ड्रन वो हमेशा हमारे साथ जो है वो ऐसे अच्छे तरीके से बात करता था जैसे वो अपने छोटे बच्चों से बात करता है वी वर ऑल फाउंड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच हम सब उसे पसंद करते थे और मेरी वालदा उसे बहुत प्यार करती थी वेन शी सॉ हिम एट गेट शी वुड ने विद जॉय और वो जब उसे गेट के करीब देखती वो खुशी से आवाज़ निकालती एंड ट्रॉट अप टू हिम और बहुत तमीज़ से उसकी तरफ जाती ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल ओल्ड पैड और वो उसे थपकी देता और उसे उसके कमर पे हाथ फैला सहलाता और उसे कहता बहुत अच्छे ओल्ड पालतू जानवर एंड हाउ इज़ योर लिटल डार्की और तुम्हारा बेटा डार्की कैसा है आई वॉज़ अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की मैं बिल्कुल स्या ब्लैक था इस वजह से वो मुझे डार्की के नाम से पुकारता था देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड वो मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा रोटी का टुकड़ा देता था विच वॉज़ वेरी गुड और जो बहुत मज़े का होता था एंड सम टाइम ही ब्रॉड अ कैरेट फॉर माय मदर और बात वो मेरी वालदा के लिए गाजर लेकर आता था ऑल द हॉर्स वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट इज हर तमाम घोड़े उसकी तरफ आते लेकिन मुझे लगता था कि हम सबसे ज़्यादा उसके पसंदीदा हैं माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन द मार्केट डे इन द लाइट गिक मेरी वालदा हमेशा उसे कस्बे में मार्केट तक लेकर जाती थी एक हल्के से टांगे में देयर वॉज अ प्लग बॉय वहाँ एक देहाती लड़का था डिक हु डिकाइम्स कम टू कम इन टू आवर फील्ड टू प्लग द ब्लैक बेरीज जिसका नाम डिक था और वो बाक़ात हमारे खेतों में हमारी फील्ड में आ जाता था और ब्लैकबेरीज़ तोड़ता था फ्राम द हेज रुकावट को तोड़कर वेन ही हैड ईटन ऑल ही वॉन्टेड ही वुड हैट ही कॉल्ड द फन विद द कॉल्स और वो जब खा उतना खा लेता जितना वो चाहता था तो वो जिसे फन कहता था वो कॉल्ड के साथ करता था थ्रोइंग स्टोन एंड स्टिक्स एड दैम टू मेक दैम अ गैलप उनके ऊपर वो तिनके और पत्थर फेंकता था ताकि वो सर पर दौड़े ही डिड नाट माइंड हिम मच फॉर ही कुछ गैलप ऑफ और वो बुरा नहीं मानते थे और हम बुरा नहीं मानते थे उसका इस तरीके से भगाना बट समाइम एज अ स्टोन्स वुड हिट एंड हर्ट अस लेकिन बाजात हमें वो पत्थर ज़मी कर देता था लगता था और हमें ज़ख्मी कर देता था वन डे ही वॉज ऐट हिज गेम एक दिन वो इसी तरह से गेम खेल रहा था एंड ही डिड नाट नो वट दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील बट ही वॉज देयर और उसे ये नहीं मालूम था कि हमारा मास्टर जो है वो सात वाली खेतों में मौजूद है लेकिन वो वहाँ था एंड वॉचिंग वट ही वॉज गोइंग ऑन और वो देख रहा था कि वो क्या कर रहा है ओवर द हेज ही जम्प आ स्नैप और वो अचानक जो है वो हमारा मालिक रुकावट को पार करके एकदम आया एंड कैच द डिच बाय आर्म और उसने जो है वो डिक को जो है वो आम से पकड़ा ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द एयर एज मेड हिम रोर विथ पेन एंड सरप्राइज और उसने उसे बहुत जोर से कान के नीचे एक मुक्का मारा और जिस उसकी तकलीफ से वो धाड़ा और क्या कहते हैं एकदम अचानक उसे जो वो दर्द महसूस हुआ सोन एज वी सॉ द मास्टर वी ट्रॉट अपनीर टू सी वट वट वेंट ऑन जैसे ही हमने मास्टर को देखा हम सब ये देखने के लिए उसकी तरफ भागे के करीब देखने के लिए भागे कि क्या हो रहा है बैड बॉय ही सैड बुरे लड़के उसने कहा बैड बॉय द चेज द कॉल्स और उससे और उसे कहा तुम घोड़ों के बच्चों को तंग करते हो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ये पहली दफ़ा नहीं है नॉट द सेकेंड टाइम और दूसरी दफ़ा भी नहीं है बट इट शेल बी द लास्ट लेकिन ये आखिरी बार ज़रूर है दे आर टेक योर मनी एंड गो होम अपने पैसे लो और घर जाओ आई शेल नॉट वॉन्ट टू ऑन माई फॉर्म अगेन मैं तुम्हें दोबारा अपने खेतों में नहीं देखना चाहता सो वी नेवर सो डिकीनी मोर हमने उसके बाद डिक को कभी नहीं देखा ओल्ड डैनियल दैन हु लुकड आफ्टर द हॉर्स वॉज जस्ट एज जेंटल एज़ आवर मास्टर जो हमारा डैनियल जो बिल्कुल मालिक की तरह से था वो भी बिल्कुल उसी तरह से नरम मिजाज था जैसे हमारा मास्टर था सो वी वर ऑल वेल ऑफ़ और हम इस तरह से अच्छी तरह mefuz ho okay students this was your lecture remaining uh, uh, lecture of the unit my early home and uh, i hope you understand this unit you have to read out the unit and uh, uh, after that in next lecture we will do the exercise and difficult question answer so now i will explain you what was in the whole unit ये एक यूनिट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है एज़ अ हॉर्स कि जो एक हॉर्स है उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं वो क्या फ़ील करता है वो अगर एक ऑथर ने इसमें लिखने में बताया है कि अगर एक वो फ़ील्ड में रह रहा है तो उसकी ज़िंदगी में गुजरने वाले वाक़ात किस तरह से उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं तो यहाँ पे जो एक हॉर्स है जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है बिकॉज ऑफ हर डार्क कलर उसके ब्लैक डार्क कलर की वजह से उसका नाम ब्लैक ब्यूटी रखा गया वो अपने जो है वो इस स्टोरी के अंदर अपने अर्ली डेज़ के बारे में बता रहा है कि अर्ली डेज़ में जहाँ उसके अर्ली डेज़ गुजरे वो किस तरह की जगह थी एक घास से जो है वो ढकी हुई खूबसूरत जगह थी और वहाँ पे वो मुख्तलिफ घोड़ों के और भी बच्चों के साथ वह खेला करते थे और कैसे जो है वो उसकी मदर ने उसकी तरबियत के अंदर एक अहम रोल प्ले किया कैसे उसकी वालदा ने उसको समझाया कि किस तरीके से जो है वो तुम्हें रहना है और तुम्हारा एक अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ है और तुमने अपने ख़ानदान के ही तौर तरीके जो है वो सीखने हैं और फिर वो अपने मालिक के बारे में बता रहे हैं कि उनका मालिक किस तरीके से था उनका मालिक उनका कितना ख्याल रखा न, करता था ठीक है एंड आफ एन लास्ट पैराग्राफ और स्टोरी जो है वो एक डिक देहाती घोड़े के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो आता था और आने के बाद खेतों में आता था और आने के बाद वो ज़ख़्मी कर दिया करता था दूसरे घोड़ों को और जब एक दफ़ा मालिक ने उसको यह हरकत करते हुए देखा तो किस तरीके से उसने जो है वो डील किया और तमाम घोड़ों को जो है वो महफूज किया सो so, स्टूडेंट ये आपकी स्टोरी थी इसको रीड आउट करना है आपने और वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट वर्ड एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट टेक केयर अल्लाह हाफिज़